नमस्कार दोस्तों ई एम लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू अस्फीयर विद रेडियस आर नॉट विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब इसमें जो दे रखा है आपको एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस स्फीयर का रेडियस आर नॉट है जो कि मैंने दिखा रखा है अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालनी है विद हेल्प ऑफ गोसला तो पहला काम है आपका कि आप एक गोजियन सरफेस या क्लोज्ड सरफेस कंस्ट्रक्ट करें और वो सरफेस कुछ ऐसा हो कि उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी नॉर्मल टू सरफेस हो तो अगर आपका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर दे रखा है तो ऑब्वियसली गोजियन सरफ़ेस भी एक स्फीयर ही होगा और ये वीडियो जो है इससे पहले वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें केस नंबर टू इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे जो गोजियन सरफ़ेस हमने एज्यूम किया है ओब्वियसली वो स्फीयर है बट उस स्फीयर का रेडियस जो स्फीयर विद चार्ज गिवन है आर नोट उस रेडियस से कम है तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालोगे वो यहां पे अब हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पे हम जानते हैं कि जो गौसला है वो क्या है क्लोज इंटीगल ऑफ डी डॉट डी एस इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज इन साइड सरफेस ओके तो अब हम यहां आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे ये जो पोर्शन है इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे स्फीयर यहाँ दे रखा है और जो स्फीयर है उसका डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा फाइव कैप ये आपका डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर है और अगर ये आप निकालना चाहोगे तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है डी वो इस स्मॉल रेडियस आर जो स्फीयर है इसका जिस भी डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे उस सरफेस से इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल होगा क्योंकि हर पॉसिबल पॉइंट्स पे जो फ्लक्स है वो आउटसाइड निकलेगा और आउटसाइड निकलने वाला फ्लक्स इस सरफेस के हर पॉसिबल पॉइंट का परपेंडिकुलर या नॉर्मल होगा तो अगर आपका डी नॉर्मल टू सरफेस है तो फिर हम क्या करते हैं डी इज़ नॉर्मल टू दी सरफेस और अगर ये नॉर्मल है तो मैंने बेसिक वीडियो में बता रखा है कि आपका जो डी है फिर वो एक कॉन्स्टेंट होगा एंड देट वुड बी इक्वल टू डी आर इन टू ए आर ए आर कुछ नहीं आपका एक यूनिट वैक्टर है जो सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है तो डी को हम डी आर इंटू ए आर से रिप्लेस कर देंगे अब रही बात आपका डी एस निकालने का पहले हम फोकस करेंगे इस पोर्शन पे, बाद में हम चार्ज पे फोकस करेंगे तो जो डी एस है वो क्या है देखो डी एस जो सरफेस है वो इन द डायरेक्शन ऑफ आर है राइट तो अगर आर की डायरेक्शंस में मुझे स्मॉल सरफेस दिखाना है तो वो क्या होगा आर कैप के कोफिशेंट्स को छोड़ के थीटा कैप और फाइव कैप के कोफिशंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए वो आपका डी एस हो जाएगा और जब कोफिशियंट्स मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना होगा आर इन टू आर आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव ठीक है तो ये आपका बन जाएगा दिस इज आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाइ राइट और डायरेक्शन क्या होगी इसकी डायरेक्शन भी वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन होगी अब इन दोनों को आप इस क्लोज्ड सरफेस इंटीगल्स में पुट कर दीजिए तो आपका क्या बनेगा दिस इज अ क्लोज सरफेस इंटरगल डी का ये बनेगा डी आर इन टू ए आर और अब ये क्या बनेगा दिस इज आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाइव और ए आर डायरेक्शन में ही है ए आर को ए आर से मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इसकी वैल्यू वन आएगी क्योंकि दोनों के बीच में एंगल आपका जीरो होगा और कोस जीरो आपका वन होगा तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड फाई आपका इंटीग्रेट होना है तो थीटा वैल्यू जीरो से पाई तक चेंज होगी और फाई वैल्यू जीरो से टू पाई तक चेंज होगी जिसमें डी आर और आर स्क्वेयर आपका कांस्टेंट होगा तो इस कांस्टेंट वैल्यू को बच्चों बाहर रख लो डी आर इंटू आर स्क्वेयर और अब यहाँ डबल इंटीग्रेशन से इसको सोल्व कर लीजिए यहाँ पर बेटा मैं लिखूँगा फाई दैट इज़ ज़ीरो से टू पाई और यहाँ पर लिखूँगा मैं थीटा दैट इज़ ज़ीरो से पाई और अंदर क्या बचेगा आपका सिर्फ साइन थीटा डी थीटा और डी फाइव डी फाइव का इंटीग्रेशन फाइव आएगा और फाइव को टू पाई और जीरो पुट करोगे तो वैल्यू आपकी टू पाई आएगी इसको मैं डायरेक्ट इसलिए लिखता हूं क्योंकि पहले वीडियोस में मैंने इसको इन डिटेल एक्सप्लेन किया है और आपका यहां पे टाइम भी बच सकता है तो अब आप लिखोगे यहाँ पे डी आर इंटू आर स्क्वेयर ठीक है और विद रिस्पेक्ट टू डी फाई आपका क्या आएगा फाइव और इसकी लिमिट्स क्या होंगी बच्चों टू पाई से जीरो तक मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू दी थीटा इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस कोस थीटा और उसकी जो लिमिट्स हैं बच्चों वो होंगे आपकी पाई से लेके जीरो तक राइट तो अब फाइनली ये क्या बना दिस इज आर स्क्वेयर डी आर यहाँ से आप पुट करेंगे तो टू पाई बचेगा माइनस साइन बाहर लोगे तो कोस पाई माइनस वन होगा माइनस ऑफ जीरो कोस जीरो वन होगा तो माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू बट इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो टू आ जाएगा तो ये आपका टू आ गया तो यहाँ पे फाइनली जो आपकी ये जो लेफ़्ट साइड थी घोसला की ये आपको मिली डी आर मल्टीप्लाई विद फोर बाई आर स्क्र तो पहला रिजल्ट हमारे पास आ चुका है घोसला का जो लेफ्ट साइड है उसको हमने इन डिटेल यहाँ एक्सप्लेन कर लिया है अब जो राइट साइड है उसको हम इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे वो देख लेते हैं क्या है क्यू है यानी ये जो आपका क्लोज्ड सरफेस या गोजियन सरफेस है इसके अंदर का चार्ज आपको दे रखा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसके लिए होती है जो आपका थ्री ऑब्जेक्ट हो और स्फीयर आपका थ्री ऑब्जेक्ट ही है तो अब आप क्या करोगे डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर का यूज करोगे वॉल्यूम आपको निकालना है तो तीनों कोफिशियंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे राइट और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव राइट तो यहाँ पे जो चार्ज है क्या मैं इस चार्ज को ये लिख सकता हूँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम व्हाट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर मीटर क्यूब और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल और आपका चार्ज आ जाएगा लेकिन क्योंकि मुझे बहुत स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर करना है और विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाइव मुझे इंटीग्रेट भी करना है तो इस चार्ज को मैं ये लिख सकता हूँ दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ रो नोट विद डी राइट ये मैं कर सकता हूं क्योंकि डी वी है इंटीग्रेट करोगे कंप्लीट वॉल्यूम आएगा और वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई होके चार्ज ही बन जाएगा और यहां पे जो डी वी है बच्चों ये मैंने अभी आपको दिखाया कि जो डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है वो होता है आर स्क्र साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव तो ये आप लिख लीजिए दिस इज आर स्क्वेयर साइन थीटा दिस इज डी आर डी थीटा एंड डी फाइ ये होगा और आर आपका कहाँ से कहाँ तक होगा जीरो से लेके आर तक ही जाएगा थीटा आपका जीरो से पाई तक होगा और फाइव आपका जीरो से टू पाई तक होगा तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हो ये है आपका आर दैट इज जीरो से लेके आर तक ये लिमिट्स आएगी आपकी थीटा दैट इज जीरो से लेके पाई तक और ये तीसरी जो है ये होगी आपकी फाइव दैट इज जीरो से लेके टू पाई तक और आप इसको इंटीग्रेट कर लो दिस इज आर स्क्र साइन थीटा रो वी आपका दे रखा है रो नॉट ये आपकी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो आप इसको बेटे बाहर लिख सकते हो दिस इज रो नॉट बाकी चीज इसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगी एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू तो डी आर डी थीटा एंड डी फाइव राइट ये हो गया अब आप विद रिस्पेक्ट टू आर से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटे आर क्यूब अपॉन थ्री आ जाएगा राइट right? तो आप इसको आगे सोल्व कर लीजिए दिस इज ये आ जाएगा आपका आर क्यूब अपॉन आर थ्री और लिमिट क्या उठोगी बेटा अपर लिमिट आपकी आर है ध्यान रहे आर नोट नहीं होगा क्योंकि ये गोजियन सरफेस जो स्पय जो स्पीय अवेलेबल है उसके अंदर है यानी जो चार्ज इस स्फीयर आउटर स्फीयर पे होगा वही चार्ज आपका इनर स्फीयर पे भी होगा तो ये हो गया आपका लोअर लिमिट आपकी जीरो है ठीक है अब साइन थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोस थीटा बचेगा और इसकी लिमिट्स क्या होंगी बच्चों पाई से लेके जीरो तक ठीक है अब इसके साथ बेटे जो फाई है आपका वो है नहीं तो वन इंटू डी फाइ फाइ आएगा तो फाइव की जो लिमिट्स हैं वो क्या होंगी दिस इज़ टू पाई इंटू ज़ीरो आप कंप्लीटली इसको सोल्व कर लीजिए ये क्या बनेगा दिस इज आर क्यूब अपॉन थ्री इसका इंटीग्रेशन यहाँ भी कर चुके इसका वैल्यू टू होगा फाइव टू पाई इंटू टू पाई यहाँ पुट होगा माइनस जीरो तो ये सिर्फ टू पाई बचेगा तो ओवरऑल आपका यहाँ पे आया फाई नॉट इन टू टू इंटू टू पाई दैट इज़ फोर पाई डिवाइड बाई थ्री इंटू आर क्यूब ये वैल्यू ये आपका घोसला का राइट साइड का रिजल्ट आ चुका है बेटे अब घोसला का लेफ्ट और राइट साइड इन दोनों को आप इक्वल पुट कर दीजिए आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा तो ये आपका लेफ्ट साइड है आप इसको यूज़ कर लें दिस इज डी आर इंटू फोर पाई आर स्क्यज इक्वल टू ये क्या है रो नोट जो कि गिवन है मल्टीप्लाई विद फोर पाई बाय थ्री इंटू आर क्यूब ठीक है अब जो चीज़ें बच्चों कैंसिल होंगी वो कैंसल कर दीजिए फोर पाई से फोर पाई कैंसिल आर स्क्वेयर से आर क्यूब कैंसल सिर्फ आर बचेगा यहाँ से आप स्मार्टली डी आर निकाल लीजिए तो डी आर वैल्यू क्या मिली दिस इज रो नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाय थ्री ये आपको वैल्यू मिल गई अगर कोई इसकी डायरेक्शन पूछे तो वो डायरेक्शन बेटा ए आर डायरेक्शन होगी ठीक है ये आपका एक फाइनल मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके सामने है अब कई बार एग्जामिनर पूछ लेगा कि ई फील्ड बताइए तो वी नो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका एक रिलेशन होगा डी के साथ दैट इज इक्वल टू एपसाइलन इन टू ई एपसाइलन आपका परमिटिविटी ऑफ अ गिवन स्पेस है अगर कोई स्पेस नहीं दे रखा है मीडियम नहीं दे रखा है तो फिर इसकी वैल्यू ई नॉट हो जाती है तो यहाँ से ई e आप निकालोगे तो वो क्या बनेगा डी अपॉन एप्साइलन ठीक है तो ई e आर है क्योंकि अलोंग दी रेडियल रेडियस एक्सिस आप निकालना चाहते हो तो ई e आर की वैल्यू मिली रो नॉट मल्टीप्लाई विद आर डिवाइडेड बाई थ्री इंटू एफ और डायरेक्शन आपकी वही ए आर डायरेक्शन है तो ये आपका बच्चों फाइनल रिज़ल्ट है बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये एप्लीकेशन जो घोसला की है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा नेक्स्ट वीडियोज़ में अब हम घोसला के बेसिस पे एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके और इस चैनल को हम एक बड़ा चैनल बना सकें दिस इज़ द एंड ऑफ़ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो